गुरुगुल बोलेंगे पीछे पीछे मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को प्रणाम करें, मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टम् स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं तदा ते स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सह प्रजातां सह गणारघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदेतं सागदूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदां सह गणा ललिता श्री विशाखावृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ताय स्वामीरिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरोत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुवश्च
कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अंतर्हृदय से हमारे परम आराध्य इष्ट श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन लाल एवं अन्य समस्त राधा कृष्ण युगल स्वरूप विग्रह हैं, उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि जिससे जिससे हमारे जो आराध्य और हमारे ऊपर कृपा करने वाले जितने भी देव हैं यहाँ पर विराजमान महादेव प्रभृति अन्य देवतागण भी यहाँ पर आके उपस्थित हों, समस्त ऋषि समस्त मुनिन्द्र समस्त चराचर के जितने भी देवी देवता और जो भी अधिष्ठात्री देवता हैं उनको हम यहाँ पर उत्तान पाणी होकर अपने अंतर्हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए उनको यहाँ पुकारेंगे, जिससे यहाँ पर वो यहाँ आए और हमें आशीर्वाद दें और इस कथा को संपूर्ण बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयेद्विरं यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंदमाधवम्। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम का तृतीय सत्र है। अभी तक हम प्रथम दो स्कंद की कथा देख आए हैं, आज से तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद पंचम स्कंद और आगे जितना हो जाए इनकी कथाओं को हम देखेंगे। तृतीय स्कंद में मुख्यतः सर्ग का वर्णन है। सर्ग समझते हैं आप लोग, सर्ग होता है सृष्टि। भगवान अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो किस प्रकार से इस त्रिलोकी का सृजन करते हैं, यानी ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इसमें भी दो प्रकार के सर्ग वर्णन हुए हैं। पहले से लेकर 19वें अध्याय में बंध सर्ग, बंध सर्ग अर्थात कि कैसे व्यक्ति बद्ध होता है, बद्ध होकर इस भौतिक जगत में दुख को भोगता है, उसका वर्णन है। और आगे आने वाले जो 14 अध्याय हैं उसमें मोक्ष सर्ग अर्थात कैसे मुक्त होता है उसका वर्णन किया गया है। अब हम अविलंब कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। तृतीय स्कंद में परीक्षित महाराज ने जब विदुर जी के बारे में सुना था कि विदुर
हस्तिनापुर को त्याग कर कर चले गए थे अलग अलग यात्रा करने के लिए। अब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और मुनि वेश धारण करके, अवधूत वेश धारण करके यहां वहां विचरण कर रहे थे। आप सब लोग कथा तो जानते ही हैं, जब दूत क्रीड़ा हुई थी तो दूत क्रीड़ा में हस्तिनापुर के जो दूत भवन थे उनको दुर्योधन के कहने पर खुलवाया गया और दुर्योधन ने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी युधिष्ठिर महाराज के लिए कि हम तुम्हें दूत क्रीड़ा के लिए चुनौती देते हैं, यहां आओ और हमारे साथ दूत क्रीड़ा करो। पहले ऐसा होता था राजा महाराजाओं में। तो युधिष्ठिर महाराज को ये पत्र मिला तो युधिष्ठिर महाराज वहां आए, पांचों पांडव वहां पहुंचे, द्रौपदी जी भी आई और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं देखिए दूत क्रीड़ा ये अनिष्ट का कारण है। अगर कोई व्यक्ति दूत क्रीड़ा में प्रवृत्त होता है, जुआ खेलता है, तो उससे दोनों पक्षों की हानि ही होती है, लाभ किसी का नहीं होता। तो आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। दुर्योधन बोलता है हमने तुम्हें यहां ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, अगर क्षत्रिय हो तो हमारी चुनौती स्वीकार करो, नहीं तो हार मान के यहां से चले जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो मेरा नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठति इति युधिष्ठिर, जो युद्ध में किस हर कीमत पर खड़ा रहे उसका नाम युधिष्ठिर है। तो अगर तुमने मुझे चुनौती दी है तो मैं अवश्य जुआ खेलूंगा, लेकिन इससे कल्याण किसी का भी नहीं होने वाला है। आप सभी सारी क्रीड़ा जानते ही हैं। दूत क्रीड़ा खेली गई, पहले पांडवों ने अपने राज्य को लगाया, कुछ मोहरे लगाई, राज्य हार गए, मोहरे हार गए। दुर्योधन बोलता है अभी भी तुम्हारे पास एक रत्न है। बोले कौन? बोले द्रौपदी। बोले अगर तुम द्रौपदी को दांव पर लगाते हो और अगर वह तुम दांव जीत गए तो तुमने जो कुछ खोया है वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा, वो भी दांव ये हार जाते हैं। शकुनी के पास जो पासे रहते हैं वो सिद्ध पासे रहते हैं, जो बोलता है वही आ जाता है। इधर प्रातकामी दुर्योधन को लेने के लिए जाता है, द्रौपदी को लेने जाता है दुर्योधन के कहने पर। द्रौपदी पूछती है प्रातकामी से कि अच्छा ये बताओ कि पहले युधिष्ठिर महाराज खुद हारे थे कि बाद में मुझे दांव पे लगाया, कि पहले मुझे हारे कि पहले खुद हारे। तो प्रातकामी कहता है जो बुलावा लेने के लिए गया था कि महाराज युधिष्ठिर पहले खुद हार गए थे फिर आपको दांव पे लगाया। द्रौपदी ने उसको फटकार दिया, जो व्यक्ति पहले अपने आप को खुद ही हार गया है वो दूसरे के दांव पर कैसे लगा सकता है। प्रातकामी अपना सब मुंह लेके वापस आ गया सभा में। दुर्योधन को गुस्सा आया तो दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ करके द्रौपदी को सभा में ले आया। वहां पे क्या अनिष्ट हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। इसके बाद द्रौपदी सभी से कह रही है कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, आप बताइए क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर कोई एकदम वहां पे चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दुशासन के द्वारा असफल चीर हरण का प्रयास किया गया, भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया और द्रौपदी के श्रीअंग की रक्षा की। द्रौपदी जब छूट गई तो द्रौपदी धृतराष्ट्र द्रौपदी से कहते हैं कि हे बेटी हमें दो लोग साथ में रहते हैं तो कुछ तो खटपट होती ही है, आपसी मामला है, कोई बात नहीं, तुम वरदान मांगो।
द्रौपदी कहती है कि मेरे पुत्र कभी दासी पुत्र ना कहलाए, बोले दूसरा वरदान मांगो, मेरे पत्नियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पांडव भी बंदी हो गए थे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि तीसरा वरदान मांगो, द्रौपदी कहती नहीं, मैं छत्राणी हूं, छत्राणी को केवल दो वरदान मांगने का अधिकार होता है, तीसरे वरदान का, अगर मैं ब्राह्मणी होती तो मैं तीन वरदान मांग सकती थी। अगर मेरे पतियों में पराक्रम है, उनके बाहुबल है, तो वो अपने बाहुबल से खोया हुआ राज्य अपने ही आप वापस ले लेंगे। धृतराष्ट्र ने राज लौटा दिया, पांडव जाने लगे, दुर्योधन बड़ा क्रोधी हुआ कि बोले अरे ये क्या है, ये तो जीती जिताई गोटी, हम फिर से हार गए। दुर्योधन ने फिर से बोला कि मैं फिर से चुनौती देता हूं कि आओ मेरे साथ जुओ खेलो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ऐसे नहीं खेलेंगे, पहले निर्धारित करो कि कितने दांव खेले जाएंगे, क्या लगाया जाएगा, जुआ खेलो जुआ खोलो, ऐसा थोड़ी होता है, पहले निर्धारित तो करो कि क्या कैसे इसके नियमावली है। निर्धारित किया गया कि एक ही दांव खेला जाएगा और दांव लगाए जाएंगे अपने अपने राज्य, जो हार जाएगा वह अपना राज्य छोड़ के 12 वर्ष के लिए जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इसके उपरांत आप सभी जानते ही हैं कि आखिरी दांव भी युधिष्ठिर महाराज हार गए। ये लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक काट के आ गए। इसके बाद जब इन्होंने संदेशा भेजा कि हमारा खोया हुआ जो आपने राज्य हमारा हड़प लिया था उसको वापस करिए, दुर्योधन कहता है कि देखो बिना युद्धम न दास्यामिषु च ग्रेण केशवः, भगवान कृष्ण को कहता, जब कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं ना, कृष्ण को लगा कि हम ही मांग लेते हैं, तो कृष्ण ने अपनी तरफ से कहा भगवान कृष्ण ने कि 5 गांव केवल दे दो, पांडव 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे, दे दो केवल 5 गांव, रख लो भूमि अपनी तमाम। तो भी दुर्योधन कहता है बिना युद्धम न दास्यामि सूचग्रेण केशवः, कि हे केशव बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक में भी जितनी भूमि आती है ना उतनी नहीं दूंगा। अब भगवान, अब सोचिए, देखिए भगवान जा रहे हैं और दुर्योधन उनकी बात कुछ मान नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान दुर्योधन के हृदय में बैठे हुए यही प्रेरणा दे रहे हैं कि दुर्योधन मानना मत, क्योंकि भगवान को पृथ्वी का भार हल्का करना है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा तभी तो भार हल्का होगा, सभी यान सेनाएं आपस में भिड़ेंगी और सभी लोग मरी गए थे, बहुत कम ही लोग बाकी थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बहुत कम ही लोग बचे थे। इस प्रकार से, लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई थी, जब ये बात विदुर जी की पता चली कि भगवान स्वयं आए और भगवान की बात भी इन लोगों ने नहीं मानी, दुशासन दुर्योधन इत्यादि ने, तो विदुर एकांत में धृतराष्ट्र के कक्ष में जाते हैं और विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि देखो भैया मैं एक आपको पते की बात कहता हूं, जैसे आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा चाणक्य नीति, ऐसे एक विदुर नीति भी है, एक शुक्र नीति भी है, शुक्राचार्य ने एक नीति लिखी है, बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये, इसमें सामाजिक जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। तो वही कह रहे हैं, तो विदुर सलाह दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखो अगर तुमने इस दुर्योधन रूपी कांटे को अगर इस हस्तनापुर से निकाल दिया तो पूरे हस्तनापुर का कल्याण हो जाएगा। चाणक्य नीति में भी ऐसा एक श्लोक प्राप्त होता है, उसका तात्पर्य है कि अगर एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे परिवार का संरक्षण होता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, एक गांव के बलिदान, एक
घर के बलिदान से अगर एक गांव का संरक्षण होता है तो एक गांव के संरक्षण के लिए एक परिवार अपनी बलि दे सकता है, और अगर एक गांव के बलिदान से पूरा देश सुरक्षित हो सकता है तो एक गांव का भी बलिदान दिया जा सकता है। तो इस नीति के तहत दुर्योधन को यहां से निकाल देना ही श्रेयस्कर है। अगर तुम दुर्योधन को त्याग दोगे तो समस्त हस्तिनापुर और समस्त पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, युद्ध बच जाएगा। दुर्योधन किवाड़ की ओट से यह बात सुन रहा था। दुर्योधन एकदम तमतमाता हुआ बाहर निकला, बोले इस दासी पुत्र को यहां पे बुलाया किसने ज्ञान देने के लिए, बताओ। उनके चाचा जी हैं, उनसे ऐसा बोल रहे हैं। तमाम तरीके से विदुर की भर्त्सना करता है, निंदा करता है, अपमान करता रहता है। विदुर जी को लगा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। विदुर जी ने अपना राजपाट वेश, सेनापति थे वहां के, प्रधानमंत्री थे, सब राजपाट वेश छोड़ दिया, अपना धनुष भी वहां रख दिया। धनुष रखने का तात्पर्य यह है कि तुम दुर्योधन ये मत समझना कि हम दूसरे पक्ष में जाकर तुमसे बदला लेंगे, अब हम तो चले तीर्थ यात्रा पर। अच्छा हुआ भगवान ने इसको निमित्त बनाकर हमें इस झंझट से ही निकाल दिया, अपन अपन भजन करेंगे। विदुर जी अवधूतचर्या से, अवधूतचर्या यानी कि कोई उनको पहचान नहीं सके, ऐसा वेश बना करके विचरण करने लगे। अवधूतचर्या बनाना सिखाई जाती थी पहले जो राज विद्या जानते थे ना, यानी जो राजपाट चलाते थे, उनको वेश परिवर्तन करना बड़ा अच्छे से आता था कि वही व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, आप उसको पहचान नहीं पाओगे, उसके खुद के परिजन भी नहीं पहचान पाएंगे। इस प्रकार से उनको वेश बनाना आता था। भगवान कृष्ण भी जो 64 कलाएं जानते थे, भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी, तो उसमें से एक कला यह भी थी वेश परिवर्तन, यानी वेश बनाना, कोई सा भी वेश बना लेना। अब सोचिए अगर जैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी संन्यास ले लें और कहें कि अब हमें कोई मतलब नहीं राजनीति से, तो भले वो कहीं पहुंच जाए लोग कैमरा लेके, वैसे पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन विदुर ने क्या किया, अवधूत वेश धारण किया, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। इस प्रकार से उन्होंने पूरी पृथ्वी के जितने भी मंगल मंगल तीर्थ थे वहां पे जाकर उन्होंने स्नान, भगवान के मंदिरों में जाकर उनको वंदन अर्चन इत्यादि किया। जब ऐसे जा ही रहे थे तो यमुना जी के तट पर पहुंचे, वृंदावन आए। जैसे ही विदुर वृंदावन आए तो उन्होंने श्री उद्धव जी का दर्शन किया, उद्धव जी भी वहां पे थे उस समय। जैसे ही उद्धव को देखा उन्हें तो कृष्ण की स्मृति आ गई, उद्धव एकदम जैसे कृष्ण दिखते थे वैसे के वैसे ही दिखते हैं, उन्हीं का ही उतरन पहनते हैं उद्धव, यद्यपि हैं भगवान के मित्र जैसे लेकिन अपना भाव उनका दास्य वाला है। तो भगवान के ही उत्तरीय, भगवान का ही मुकुट, भगवान के ही सारे वस्त्र आभूषण धारण करते हैं उद्धव। जब विदुर जी ने उद्धव जी को देखा तो उनके हृदय में बड़ा उल्लास हुआ, आहा भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त, इनका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, आनंदित हो गए। उद्धव से संपूर्ण यदुकुल के किसुल के बारे में पहुंच रहे हैं, यदुकुल में सब लोग कुशलता पूर्वक तो है ना, पूछ रहे हैं कृष्ण बलराम कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, राजा उग्रसेन कैसे हैं, कृष्ण के पुत्र सांब कैसे हैं, उनके जो सारथी इत्यादि दारुक वो कैसे हैं, सात्विकी कैसे हैं, अक्रूर कैसे हैं, उनकी मैया देवकी कैसी हैं, उनके पौत्र अनिरुद्ध कैसे हैं, हृदिक चारुदेश गद इत्यादि इत्यादि जितने भी
यदुवंश के लोग थे उनका सबका कुशल क्षेम पूछते हैं। बाद में पांडवों के बारे में भी पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से राज्य शासन कर रहे हैं, क्या हाल चल रहा है। जब इन्होंने भगवान कृष्ण और उनके संबंधियों यदुवंशियों के बारे में पूछा, उद्धव जी तो भगवान की स्मृति में लीन हो गए। उद्धव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान कृष्ण के बारे में जब पूछा गया तो उनके सामने पूरी कृष्ण लीला घूम गई। ऐसा होता है ना, जैसे आपका कोई बालक है, अभी वह पढ़ने के लिए कहीं दूर देश में गया है और कोई आपसे पूछे कि आपका बालक कैसा है, क्या कर रहा है, तो उसकी जो जो लीलाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, उसकी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी आपके मस्तिष्क में आ जाएंगी। ऐसे ही उद्धव जी के साथ में भी हुआ। भगवान की समस्त बाल लीलाएं, मथुरा लीला, द्वारका लीला उनके मस्तिष्क पटल पर आ गई। भगवान की भक्त वत्सलता को स्मरण करने लगे। सारे भगवत की, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनकी कथा कही। अब चूंकि हम दशम स्कंद में ये सारी कथाएं विस्तार से कहेंगे ही, तो इसलिए अभी हम इनको विराम दे रहे हैं, वहां पे ही विस्तार से इनका आस्वादन किया जाएगा। भगवान की भगवत्ता में उन्होंने एक विशेष श्लोक बोला, अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघ्यांसयाप्यायदयाप्यसाधवी लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यम् कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु पुरुष और कहां मिलेंगे, कम वा दयालु शरणम जय, ऐसे दयालु और कहां हैं जिन्होंने पूतना जो बाल घातनी थी, रुद्रासनी थी, ऐसी दुष्टा को धातृचिति दे दी, माता के पद भी दे दी, जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई है उसको अगर इतनी बड़ी पदवी दे सकते हैं, तो जो व्यक्ति आप जैसे भक्त हैं, जो अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनकी मंगलमय कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो उनको तो भगवान कितना उच्च स्थान देंगे, आप सोच सकते हैं। आप सभी भगवान के विशेष पार्षद बनने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। अब कोई कथा को भले इच्छा से श्रवण करे या अनिच्छा से श्रवण करे, फल लेकिन बराबर होता है, क्योंकि श्रवण तो किया ना। हाँ, लेकिन अगर उसका कोई मनन विशेष रूप से करता है तो उसका और अधिक फल मिलता है। एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक चोर था, चोर के बहुत सारे छोटे छोटे बालक थे, वो भी चोरी करते थे। उस चोर ने, वो पिता चोर ने अपने बालकों को एक बात सिखाई कि देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, चोरी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन भूल कर भी कभी कृष्ण कथा मत सुनना। उस पिता ने उन बच्चों को सिखाया कि भूल कर भी कभी कृष्ण कथा मत सुनना, क्योंकि अगर तुमने कृष्ण कथा सुन ली, Thank you.
देख सुनता है उसका हम दर्शन कर रहे थे कि भगवान ने जो बकी अर्थात जो पूतना है उसको भी धाय की गति दे दी। सात प्रकार की माताएं होती हैं, आत्ममाता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, ऋषि पत्नी, चा राज पत्नी, चा धेनु धात्री, ये सब माता है। तो अगर धाय की गति अगर पूतना को प्रदान कर दी तो आप सभी जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इतनी भक्ति भाव से जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। आगे भगवान की और सुंदर सुंदर लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया उद्धव जी ने। इसके बाद उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि हे विदुर, भगवान इस पृथ्वी से जाने से पूर्व मुझसे मिलके गए थे। मैं उनके पास जब पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे एक विशेष बात कही। भगवान कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब मैं अपने नित्य गोलोक धाम में जा रहा हूं। उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं आपके विरह में तो वैसे ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे भी साथ ले चलिए। जब इस प्रकार से उद्धव ने कहा, विदुर ने उद्धव से कहा, तो विदुर क्या करते हैं? विदुर ने याचना की कि आप उद्धव को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान से, भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो उद्धव, तुम्हारा पृथ्वी पर रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान समस्त विश्व में, समस्त जगत में फैलाऊंगा। पहले आया था ना एक प्रश्न कि धर्मम किम शरणम गतः, कि धर्म ने किसकी शरण ली? तो बता रहे हैं कि धर्म ने भागवत की शरण ली, हरि नाम की शरण ली। तो उद्धव भागवत के आचार्य हैं। सबसे पहले जो भागवत कथा कही गई थी वो सुखदेव परीक्षित की नहीं है, इससे भी पहले उद्धव जी ने
जो भगवान की 16108 पत्नियां थी ना द्वारका महिषी, उनको सुनाई थी। तो सबसे पहली बार उद्धव जी ने वो भी कहां सुनाई, गोवर्धन के उद्धव कुंड पे। अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ना तो उसमें एक उद्धव कुंड आता है, कुसुम सरोवर के ठीक पीछे है। तो वहां पे ही सबसे पहले भागवत कथा हुई थी। और उद्धव जी आज भी तीन रूपों में रहते हैं, एक तो बद्रिक आश्रम में, एक वृंदावन में गुल्म लताओं के रूप में, लता पता जो वहां की है ना उद्धव वाली की, उद्धव कुंड की, वो स्वयं उद्धव जी ही है। और एक द्वारका में, क्योंकि भगवान के परिकर भी है। इस प्रकार से उद्धव भगवान के ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं यहां पे सुखदेव गोस्वामी उद्धव के यशोगान में कह रहे हैं, अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानम् मदाश्रयम् अर्हति उद्धवे वद्धा संप्रत्या आत्मताम् वरः। अरे मैं जब इस लोक से चला जाऊंगा तो कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए, तो वो उद्धव है। भगवान कह रहे हैं देखो ध्यान रखने की बात है, नोदमणु उपमत न्यूनम यद गुणे नार्दिता प्रभु अतो मदवयुनम लोकम ग्राहयन इह तिष्ठतो। कि समस्त लोक में अगर हर कोई व्यक्ति मेरे साथ चला जाएगा तो भी ये भागवतम का ज्ञान कौन देगा, भागवतम मेरे बारे में किसी को मालूम कैसे चलेगा। तो इसलिए भगवान उद्धव को यहां पर ही छोड़ गए थे। विदुर जी उद्धव जी के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे उद्धव जी, भगवान ने आपको अवश्य ही आत्मज्ञान प्रदान किया होगा, कृपा करके वह आत्मज्ञान आप मुझे भी प्रदान करें। कहावत भी है, मीठी वस्तु को बांट करके खाना चाहिए, उसका स्वाद अधिक आता है। अच्छी चीज को बांट के खाना चाहिए, है ना, यह हमारी वैदिक संस्कृति है। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि देखिए विदुर, जब मैं भगवान के सामने था तो उसी समय मैत्री मुनि भी वहां पर आए और भगवान ने मेरे सामने मैत्री मुनि से कहा था कि हे मैत्री, ये जो दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भागवत का, यह आप मेरे भक्त, मेरे परम प्रिय भक्त उद्धव, मेरे परम प्रिय भक्त विदुर को दे दो। ये उद्धव के सामने कह रहे हैं, उद्धव के सामने मैत्री मुनि से कहा कि मैत्री तुम ये ज्ञान विदुर को देना। तो उद्धव जी कहते हैं कि आप चिंता मत करें, आपके लिए ये ज्ञान का परोसा लिए हुए एक बड़ा सा थाल लगाए हुए मैत्री मुनि पहले ही गंगा तट पर बैठे हुए हैं, आपको केवल वहां जाना है और वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेना है। कहने का आशय ये है कि अगर कोई भक्ति के हृदय में ये भाव है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो वृंदावन जैसी जगहों पे भगवान के बहुत सारे भक्त संतगण परोसा लिए हुए बैठे हैं। अब अगर वृंदावन जाएंगे तो केसी घाट इत्यादि पे बड़े बड़े बुर्ज हैं जिससे छलांग मारते हैं, तो उन बुर्जों के ऊपर बहुत सारे संत पहले से ही बैठे हुए हैं कि कोई व्यक्ति आए तो वो आएगा हमसे कुछ पूछेगा तो उसको हम ये भक्ति का ज्ञान दे देंगे। तो संत गौण जो संत जन है वो तो हमेशा तैयार बैठे हुए हैं भगवान की भक्ति को देने के लिए, हम ही लोगों में कमी है कि हम उनके पास नहीं जाते। अगर हम लोग संतों के पास जाएंगे तो निश्चित ही वह हमें भगवान की भगवत भक्ति का ज्ञान उपदेश करेंगे। मैत्री मुनि आगे जाते हैं और उधर से विदुर जी उनको हरिद्वार में मिलते हैं, गुरु शिष्य का मिलन होता है। विदुर जी
मैत्रेय मुनि से प्रथम प्रश्न पूछते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए प्रश्न, हम सभी का यह प्रश्न है, ऐसा नहीं केवल विदुर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सुखाय गर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्यद उपरमाम विन्देत भूया तथैव दुःखम् यदत्र युक्तम् भगवान् वदेत ना। संसार के जितने भी जन है ना, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उल्टा दुखी मिलता है। व्यक्ति युवा होता है, उसके घर वाले बोलते हैं बेटा विवाह कर ले, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। बेटा विवाह कर लेता है, सुखी हुआ क्या? कोई सुखी नहीं हुआ इसका। फिर बोला जाता है उसको, बेटा तेरे जब बेटों का विवाह हो जाएगा ना, जब तू सुखी हो जाएगा, उसके बाद में कोई सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ, उल्टा दुख ही बन रहा है। तो वही यहां पे कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वाणी ऊपर बताऊंगा, उल्टा ही हो रहा है। हम प्रयास तो कर रहे हैं दुख को मिटाने का, लेकिन दुख की हो रही है। तो विन्देत भूया तत एव दुखम, तो भूया पुनः पुनः जो दुख है उसकी ही वृद्धि हो रही है। तो हे प्रभु, हे भगवान, इसके लिए आप हमें बताइए कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या उपाय है कि हमेशा हम सुखी रहें और दुख हमें बिल्कुल रहे ना। क्योंकि जगत में तो हमने जितने प्रयास थे सब प्रयास करके देख लिए, हमें दुख ही दुख मिला है। बड़ा गंभीर प्रश्न है। विदुर फिर आगे कहते हैं कि यह जो कथा है ना, जब ये कर्ण नाड़ी अर्थात कान में प्रवेश करती है तो क्या होता है, गेह रतिम छिनत्ती, जो घर गृहस्थी की आसक्ति होती है ना उसको हटा देती है। दुख का कारण संसार नहीं है, संसार बिल्कुल दुख का कारण नहीं है, संसार में आसक्ति दुख का कारण है। जो ही हमारी आसक्ति इस संसार में होती है हम दुखी हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे जो डॉक्टर रहता है वो हजारों पेशेंट को देखता है, हजारों रोगियों को देखता है, लेकिन उसको कभी दुख होता है क्या? डॉक्टर कभी दुखी नहीं होता। डॉक्टर कब दुखी होता है? जब वो खुद रोगी होता है। तो इसी प्रकार से हमने अपने इस शरीर को अपना मान लिया है, शरीर से संबंध नहीं लोगों को अपना मान लिया है, इस संसार को अपना मान लिया है, इस घर को अपना मान लिया है। तो जब भी घर में टूट फूट होती है, हमारे शरीर में कुछ रोग धोग आता है, हमारे संबंधी कभी बीमार होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर सही ज्ञान आता है, अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध चित्त आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं, जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, जब यह ज्ञान व्यक्ति के हृदय में आ जाता है तो वह समझ जाता है, आहा मैं तो भगवान का ही अंश हूं, मैं क्यों दुखी हो रहा था, मैं तो अपने आप ही ऐसे ही दुखी हो रहा था, दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं था। इस प्रकार से कहते हैं, कस्त्रपनिया तीर्थ पदो विदाना सत्रे सुवासुर वीर्यमाना या कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रणाम गेहरतम छिनत्ति। यानी जब ये भागवती कथा हमारे दोनों कानों में प्रवेश करती है तब क्या हो जाती है, हमारे हृदय में जो घर गृहस्थी संसार की जो आसक्ति है, जो दुख का कारण है, वह समाप्त हो जाती है, छिनत्ती छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए बहुत अधिक प्रयास करके हमें क्या करना चाहिए, सूर भी इड्यमानात, जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा
बड़े अच्छे भक्तों के द्वारा जो कथा कही जा रही है उसको क्या करना चाहिए, प्रयास पूर्वक सुन लेना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, जैसे छोटे बालक को कभी कोई दवाई खिलाई जाती है तो वो दवाई के बारे में जानता है कि ये दवाई कैसे कार्य करती है, पेट में जाके क्या रिएक्शन होती है और फिर वह स्वस्थ हो जाता है, जानता है क्या? नहीं। लेकिन स्वस्थ होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से भले ही आपको ये कथा समझ में आ रही हो, चाहे 50% समझ में आ रही हो, चाहे पूरी समझ में आ रही हो, या फिर पूरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन यह जो अद्भुत कथा जो हृदय में प्रवेश कर रही है ना, यह आपकी हृदय की शुद्धि कर रही है, मन की शुद्धि कर रही है और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी वृद्धि भी कर रही है। आप देखना, जिन्होंने अभी एक सप्ताह तक ये पूरी कथा सुनी है उनको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होगी और अंत में आप अनुभव करेंगे कि हाँ, अब हमारी जो प्रीति, पहले जो भगवान के प्रति प्रेम था उससे हमारा जो प्रेम है उत्तरोत्तर बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। ऐसा आपको खुद अनुभव होगा, क्योंकि ये जो कथा है, ये जो संकीर्तन है, भगवान के नाम के जो भजन है, ये क्या करता है, हमें विशुद्ध भक्ति प्रदान करता है। विदुर ने अन्य भी कई कई प्रकार के प्रश्न पूछे। अब विदुर की जो ख्याति है वो तो हम सभी जानते ही हैं। विदुर के बारे में कहा जा रहा है तो इससे एक हमें भजन स्मरण में आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बड़ी वृंदावन, ऐसे प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाचन चाहिए, गोपियन नाचन चाहिए, गोपियन नाचन चाहिए, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस पारथ रथ हाथो, प्रेम के बस पारथ रथ हाको, 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 भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राज सोय युधिष्ठिर कीनो, राज सोय युधिष्ठिर कीनो, राज सूर्य युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठन उठाई, तामे जूठन उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे सभी लोग गाइए प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलिए उद्धव मैत्रेय मिलन संवाद की।
इसके बाद मैत्रेय मुनि ने सृष्टि कैसे होती है इसके विषय में बताया, विराट शरीर की उत्पत्ति, जो भगवान विराट होते हैं ना, विराट पुरुष, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में कहा। विदुर जी ने फिर एक प्रश्न पूछा। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि भगवान को सृष्टि उत्पन्न करने की क्या पड़ गई। जैसे छोटा बालक है वो क्यों खेलता है, क्योंकि उसको खेलने में मजा आता है, लेकिन भगवान को ऐसे क्या पड़ गई कि ये सृष्टि करनी पड़ी। उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये इतना बड़ा ब्रह्मांड और एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रचे जा रहे हैं, क्या हुआ ऐसा, तो कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि हमारे जैसे कई बद्ध जीव जो 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं, उनकी कई कई प्रकार की भोग वृत्तियां हैं, तो उन भोग वृत्तियों की संतुष्टि के लिए, अब जैसे किसी की इच्छा है कि मैं उड़ू तो उसको पक्षी बना दिया गया, किसी की इच्छा है कि मैं जल में तैरू तो उसको मछली बना दिया गया, किसी की इच्छा है कि मैं राजा बनूं तो उसको राजा बना दिया जाता है एक बार, किसी की इच्छा होती है मैं सेवा करूं तो उनको भगवान का भक्त भी बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अनेक अनेक जीवों के हृदय में जिज्ञासा है, या फिर कहना चाहिए भोग इच्छा है, उसके हेतु भगवान क्या करते हैं, उनको अलग अलग योनियों में डालते रहते हैं, अलग अलग शरीर देते हैं। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है सृष्टि बनाने की, वो तो हमारे लिए बेचारे बार बार ब्रह्मांड रचाते हैं कि जीवों की जो इच्छा है फिर से पूरी हो जाए, और उसी बीच में कुछ आप जैसे भाग्यशाली जीव होते हैं जो भगवान की कथा को सुन लेते हैं, उनको भगवान की भक्ति मिल जाती है और वो भगवान के धाम चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी क्रम में उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। इस स्कंद में भी चतुर्थ श्लोक की भागवती आती है। वास्तव में जो 4 श्लोक में पूरे भागवत का सार है, ये पूरे भागवत में ऐसे हर स्कंद में श्लोक प्राप्त होते हैं। वृंदावन में एक हमारे मित्र हैं, उनके गुरु महाराज ने ये सारी खोज की थी कि भागवतम में प्रायः लोगों को लगता है कि द्वितीय स्कंद में जो 4 श्लोक हैं 9वें अध्याय में, वो ही केवल चतुर्थ श्लोक की भागवत है, लेकिन उन्होंने हर स्कंद में चतुर्थ श्लोक की भागवत निकाल के दिखाई, हमारे पास लिखी हुई है, बताएंगे। इसके आगे फिर अन्य प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने की। सबसे पहले महत्तत्व की रचना की गई। महत्तत्व मतलब एक पिंड है जो अभी सम अवस्था में है, मतलब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण जब सम अवस्था में होते हैं उसको महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है, भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो उसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। ये हुई दूसरी सृष्टि। तीसरी सृष्टि होती है भूत सर्ग। 5 महाभूत होते हैं ना, आप सब जानते होंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूतों की सृष्टि हुई तीसरी सृष्टि। फिर हुई इंद्रियों की। 11 प्रकार की इंद्रियां होती है, आप सभी जानते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। फिर इसके बाद 5वीं सृष्टि हुई देव सर्ग, देवताओं की सृष्टि हुई। 7वें अहंकार से देव सर्ग हुए, यानी इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देवता, जैसे हमारा हाथ है, हाथ के अधिष्ठात्री देवता होते हैं इंद्र, जैसे नेत्र है उनके अधिष्ठात्री देवता होते हैं सूर्य चंद्र, तो हर एक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता होते हैं हमारे शरीर में। ये हुई 5वीं सृष्टि। और फिर होती है 6वीं सृष्टि अविद्या की। अविद्या जिससे ये जगत बना हुआ है, अविद्या के कारण ही तो जगत चल रहा है। जहां ज्ञान हुआ वहां व्यक्ति भजन करने लगा और भगवान के धाम पहुंच गया, फिर तो सब समाप्त हो गया। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ, तब तक इस अविद्या के चक्र में रहता है। तो ये 5-6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियां हुई ब्रह्मा जी ने की। फिर इसके बाद 4 प्रकार की जो और अन्य सृष्टियां होती हैं, कुल मिला के 10 सृष्टियां हैं,
वह है छठवीं वृक्ष, सातवीं जो वनस्पति है, सातवीं संरचना की भगवान ने वनस्पतियों की। वनस्पति के होते हैं छह प्रकार, ये दसवें अध्याय में तृतीय स्कंध में बताया गया है। कौन कौन से? बोले वनस्पति औषधया लता तुक्सारो वीरधोद्रुमा। वनस्पति, वनस्पति समझते हैं क्या होता है? जैसे आपने पीपल, गूलर, बट ये वृक्ष देखे होंगे जिनमें मोर नहीं आता, उसको वनस्पति कहते हैं। औषध, औषध किसको कहते हैं? जो धान, गेहूं, बाजरा, ये सब औषधि कहलाते हैं। औषधि मतलब फल पकवानता, फल पकने के बाद जो अपने शरीर छोड़ देता है। जैसे पौधा होता है गेहूं का, चार महीने के बाद अपना देह अपने आप छोड़ देता है, फिर हम उसको काट लेते हैं, इसको औषधि कहते हैं। लता, पेड़ों के ऊपर जैसे नीम के ऊपर गिलोय की लता चढ़ जाती है, तो ऐसी लता। त्वक्सार, त्वक्सार होता है बांस। आप क्या होता है? बांस, यहाँ नहीं होता बांस, बंगाल तरफ होता है बहुत बांस, जिसकी केवल मोटी मोटी छाल होती है उसको त्वक्सार कहते हैं, जैसे बांस इत्यादि। विरुद्ध, विरुद्ध क्या होते हैं? जैसे कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज, जो केवल धरती पर फैलती जाती है लताएं, उनको विरुद्ध कहते हैं। और छठवां प्रकार होता है ध्रुव, अर्थात जैसे आम होता है जिसमें मोर आता है, मोर होने वाले जितने होते हैं। तो इस प्रकार के छह प्रकार के वृक्षों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, यह हुई सातवीं सृष्टि। आठवीं सृष्टि उन्होंने करी त्रियोनी, यानी पशु पक्षी, एक खुर वाले, दो खुर वाले, पांच नाखून वाले, ऐसे अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी उन्होंने सृष्टि की। यह हुई आठवीं सृष्टि। नौवीं सृष्टि कही हम मनुष्यों की, और दसवीं सृष्टि की देवताओं की। देवताओं में भी आठ प्रकार के देवता होते हैं। कौन कौन? देवता, प्रतर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख, ये सब देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। इन सबकी ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई। फिर इसके बाद काल के बारे में बताते हैं। काल क्या है? काल की गणना सबसे पहले प्रारंभ होती है, जैसे आप लोग तो यहाँ पर रहते हैं, कच्चे घर भी यहाँ पे हैं। सुबह सुबह जब भगवान सूर्य नारायण निकलते हैं, तो पहली किरण जब घर के अंदर आती है, तो उसमें हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। देखे, सभी ने देखे होंगे, या फिर कभी छत थोड़ी बहुत फूटी रहती है, तो उसमें एक किरण आती है, उसमें बहुत सारे कण उड़ते हुए दिखते हैं। तो जब तीन परमाणु मिलके एक त्रिश्रेणु बनाते हैं, और ऐसे तीन त्रिश्रेणु बनते हैं, उसको पार करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है त्रुटि। त्रुटि यानी तीन त्रिश्रेणु को पार करने में जो समय लगता है उसको त्रुटि कहा है, समय की गणना है। ऐसे सौ त्रुटियों से एक वेद बनता है, तीन वेद से एक लव बनता है, तीन लव से एक निमेश बनता है, जो हम पलक झपकाते हैं ना, इसको निमेश कहते हैं। यह भी एक सेकंड से बहुत कम होता है। ऐसे तीन निमेश से एक क्षण बनता है, यानी हम तीन बार पलक झपका देंगे तो ये एक क्षण होगा। पांच क्षण से एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा से एक लघु होता है, 15 लघु से एक नाड़िका, जो एक घड़ी होती है ना, जैसे आप लोग घड़ी बोलते हैं, पहले घड़ी किसको कहते हैं मालूम है? आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा यंत्र होता था, ऐसा और ऐसा, कहीं कहीं फिल्मों में देखा होगा या म्यूजियमों में देखा होगा या फोटो तो देखा ही होगा कुछ नहीं, उसमें रेत भरी रहती थी, कभी कभी पानी भी भरते थे। तो ऐसा अगर उसको खड़ा कर दो तो जितने में पूरा रिस जाता था उतनी एक घड़ी होती थी। और पंडित जी तो बड़े अच्छे जानकार हैं, मुहूर्त कहते हैं दो घड़ी को, जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, तो मुहूर्त यानी 48 मिनट, जिसमें दो घड़ी हो जाती है, यानी एक बार घड़ी ऐसी पलट जाएगी और एक बार ऐसी पलट जाएगी। तो उसी घड़ी से फिर ये जो आजकल की हाथ की घड़ी बन गई वो आ गई, लेकिन वास्तविक घड़ी वो वाली थी जिसमें एक घड़ी में पूरा रिस जाता था।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की जय हो। तो हम मन्वंतर काल की गणना कर रहे थे, हमने देखा था एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, एक दिन में होते हैं कुल 8 प्रहर और एक प्रहर में होते हैं 6 मुहूर्त। बीच के दो पहर जो होते हैं वो 12 पूर्व मुहूर्त के होते हैं, तो कुल मिला के एक दिन में 60 घड़ियां होती हैं, 60 घड़ी का पूरा एक दिन होता है। इसी प्रकार से हमारा जो एक दिन होता है, ऐसे देवताओं का जो एक दिन होता है वो क्या होता है, हमारा एक आयन, जैसे आप जानते हैं दक्षिणायन उत्तरायण, 6 महीने, हमारा 6 महीना उनका एक दिन होता है और हमारे एक अगले 6 महीने उनकी एक रात होती है, यानी एक वर्ष में उनका एक दिन पूरा होता है 24 घंटे। इस प्रकार से हमारे जो चतुर्युग हो जाते हैं, यानी एक युग जो बीतता है, एक कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत, ये कहलाता है एक चतुर्युग। ऐसे जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं तो ये होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, ये केवल एक दिन है। और ऐसे एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, एक मनु का जो काल होता है लगभग 71 चतुर्युगी का होता है, 71 6/14 इतने चतुर्युग का काल होता है एक मन्वंतर का, एक मनु का। तो ये काल की गणना बताई, सृष्टि विस्तार की घटना फिर बताते हैं। ब्रह्मा जी बड़े आनंद से सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि का जो प्रारंभिक मन्वंतर होता है या कल्प होता है ब्रह्मा जी का पहला, उसको कहते हैं ब्रह्म कल्प, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर एक परार्ध, जब ब्रह्मा जी के आधी आयु हो जाती है तो उसका जो अंतिम दिन होता है, या फिर कहना चाहिए अंतिम कल्प होता है, वह होता है पद्म कल्प। अभी जो चल रहा है वह है श्वेत वराह कल्प, वराह अवतार अभी इसी युग में ही होता है, इसी मन्वंतर में हुआ था, तो इसलिए अभी जो चल रहा है वह श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इस प्रकार से काल की गणना बताई। फिर ये बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मनु महाराज की उत्पत्ति की, मनु महाराज हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ, आपने मुझसे कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, तो सृष्टि तो मैं बढ़ा दूँ, लेकिन मैं सृष्टि को रखूंगा कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं। उस समय ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने गए तो पृथ्वी जलमग्न थी प्रलय के कारण, जब प्रलय आता है ना तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो मनु महाराज कहते हैं कि ये बताइए हम सृष्टि को रखेंगे कहां, सभी मनुष्य जातियों को कहां रखेंगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर भगवान को अपनी सृष्टि रखनी होगी तो वो खुद ही विचार कर लेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूं। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा वराह का बच्चा जन्मा, वराह होता है सुअर, सुकर। बोलिए सुकर भगवान की। ये भगवान का वराह अवतार है, भगवान वराह के शरीर में जितने रोम थे उन्हीं को जब छिड़का है उन्होंने, तो उन्हीं के छिड़कने से उनके रोम जहां झड़े वहीं कुसा और दूबा घास हो गए, इसलिए दूसरा दूबा और कुसा घास जो होती है वो बड़ा परम पवित्र मानी जाती है, क्योंकि भगवान वराह देव के ही वो क्या है, रोए हैं। भगवान वराहदेव जैसे ही बाहर आए नासिका से, देखो बड़े होने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये अच्छा हुआ कि ये बाहर जाके फूला, अगर कहीं मेरी नाक में फूल गया होगा तो मेरा क्या हाल होता है।
तो बराधे बड़े होते गए होते गए और फिर जाते हैं गर्भो दक्षिण सागर में। वहां खूब क्रीड़ा कर रहे हैं और वहां से अपने दोनों नथनों पे उठा करके पृथ्वी को ले आए। बोलिए भगवान वराह की। तो बराहदेव ने पृथ्वी को वापस रखा। ऐसी ही एक घटना एक बार और हुई। दो अलग अलग मनमंत्रों की घटना है। ये वाली है प्रारंभ में, जब सृष्टि प्रारंभ ही हुई थी, लेकिन उसके बाद जब छठा मनमंत्र आता है, चाक्षुष मनमंत्र, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ था, तो उसी समय हिरण्याक्ष, हिरण्य का मतलब होता है सोना, यानी जिसकी नजर सोने के ऊपर हो उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी का पूरा सोना निकाल लिया और अपने पास रख लिया, स्वर्ग में ले गया। पृथ्वी का पूरा सोना निकाल करके वह स्वर्ग में ले गया। इससे पृथ्वी का जो बैलेंस था, संतुलन, वो गड़बड़ा गया और पृथ्वी गर्भोदक सागर में चली गई। उस समय भी भगवान ने नृप राह का अवतार लिया। नृप राह मतलब नीचे का भाग तो है मनुष्य का, लेकिन मुख है वो किसका है, सुअर का। तो वो नृप राह अवतार हुआ। नृप राह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यपु को वध कर दिया और पृथ्वी को बचा करके जल के ऊपर स्थापित किया। अब भगवान तो कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, तो जल के ऊपर पृथ्वी तैर रही है। भगवान से बड़ा जादूगर तो कोई है नहीं। सबसे बड़े जादूगर कौन है, भगवान ही है सर। तो भगवान ने जादू दिखाते हुए पृथ्वी को जल के ऊपर तैरा दिया। अब इनकी इच्छा हुई कि भगवान की जो वराह लीला है उसको हम श्रवण करना चाहते हैं कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे क्या। तो उसका विवरण आता है कि एक बार सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों चतुष्कुमार ऊपर वैकुंठ में जाते हैं, रमा वैकुंठ में, सात ड्योड़ियों को पार कर जाते हैं। सातवीं ड्योड़ी पर जब जाते हैं तो जय विजय वहां पर उनको रोक लेते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मन में शंका आ जाती कि अरे कि किसी किसी सेविकाओं को तो जो फूल माला, भगवान की पीक दान, बीड़ दान जो ले जा रही हैं, वो तो दासियों को तो जाने दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जाने दे रहे हैं। थोड़ा इसका वॉल्यूम कम कर, बाकी सबको तो जाने दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं जाने दे रहे हैं, इनमें समबुद्धि नहीं है, इनमें अभिशम बुद्धि है। देखो सभी लोग भगवान से मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। अब उस समय भगवान का विश्राम का समय था, जय बजय हैं भगवान के भक्त, जय बजय मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे तैसे अभी तो भगवान को नींद आई है और ये ब्राह्मण देवता अभी अभी जाएंगे, भगवान है ब्रह्मंड देव, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, भगवान कहीं हड़बड़ा के उठ गए तो उनको कच्ची नींद में उठने के कारण कहीं सिर दुखेगा। तो इस विचार से जय विजय ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, चतुष्कुमार को जाने नहीं दिया। सनत कुमार इत्यादियों को लगा इन्होंने हमारी अवहेलना की, हमारी अवज्ञा कर दी है, इस कारण से इन्होंने क्या किया, इनको साप दे डाला कि अरे तुम्हें अभिशम देती है, तो बाकियों को तो जान नहीं दे रहे हो, हमें नहीं जाने दे रहे हो। वास्तव में इनको क्रोध इसलिए आया था क्योंकि भगवान के दर्शन करना चाहते थे और भगवान के दर्शन में इन्होंने अवरोध उत्पन्न कर दिया था, विरोध किया, तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, इनको साप दे डाला कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। तो यही दो, जय और विजय, रमा वैकुंठ से नीचे उतर आए और यही क्या बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, ये बने सतयुग में। त्रेता युग में वही दोनों बने रावण कुंभकर्ण और द्वापर युग में वही दोनों बने शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र। तो अब उन्हीं की कथा आ रही है। एक बार की बात है, एक बार माता दीति जो दैत्यों की माता है, संध्या वेला थी, संध्या वेला में उनके हृदय में काम सताने लगा। दीति अपने पति कश्यप मुनि के पास जाती है और कश्यप मुनि से कहती है कि हे पति देव, मैं अपनी बहनों के
वह अपनी बहनों में आपके द्वारा प्रदत्त संतानों के द्वारा मैं ईर्ष्या को प्राप्त हो रही हूँ। मेरे अंदर में ईर्ष्या आ रही है कि देखो मेरी जितनी बहनें हैं उनके पास उनके पुत्र हैं, मेरे पास कोई नहीं है, आप मेरी इच्छा पूरी करिए। जब कश्यप मुनि ने दीदी के ये वचन सुने, वो समय था संध्या का, कश्यप मुनि ने दीदी से कहा कि हे देवी, जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो तीन धर्मों का पालन करने में सबसे ज्यादा सहयोगी होती है, धर्म अर्थ काम। तो तुम्हारी अभिलाषा को कौन पूरा नहीं करेगा? तुम तो एक जलयान की तरह हो जिसमें अन्य आश्रमों का भी पालन होता है। गृहस्थ आश्रम को बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी, संन्यास और वानप्रस्थी तीनों का पालन कौन करता है? गृहस्थी लोग। गृहस्थी लोग जब दान देते हैं तभी ब्रह्मचारियों को भोजन मिलता है, संन्यासियों को भी मिलता है और तपस्वियों को भी मिलता है, वानप्रस्थियों को भी मिलता है। तो इसलिए हे देवी, तुम्हारे कारण ही तो गृहस्थ आश्रम की इतनी कीर्ति है। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है वो व्यक्ति सरलता से इंद्रियों पर जय कर लेता है। हे देवी, मैं तो तुम्हारे ऋण को जन्मांतर में भी नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारी अभिलाषा को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन देखो ना, ये काल संध्या वेला का है। संध्या वेला में पुरुष स्त्री को कभी समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में भूत प्रेत जो शिवजी के अनुचर हैं वो घूमा करते हैं, शिवजी का अपराध हो जाता है। लेकिन दीदी के हृदय में तो काम सता रहा था। दीदी ने तो निर्लज होके कश्यप मुनि का दुपट्टा पकड़ लिया। कश्यप मुनि समझ गए कि देव की ही कोई इच्छा होगी। उन्होंने दीदी के साथ समागम किया, तत्पश्चात स्नान और संध्या वंदन इत्यादि किया। दीदी को होश आया, अरे मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, काल की प्रेरणा थी। दीदी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए कश्यप मुनि के पास जाती है कि हे पाही माम, हे पतिदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जो पुत्र हो वो कहीं दुष्ट नहीं होना चाहिए। कश्यप मुनि डांटते हुए दीदी को कहते हैं कि अरे मलिन चित्ता, अनुचित समय में तुमने मुझे पकड़ा, मेरी अवज्ञा भी की, मेरी तो छोड़ो, अपने देवर की भी तुमने अवज्ञा कर दी। तो शिव जी है वो इनके देवर है एक प्रकार से। तो देखो, अगर मेरी बात नहीं मानती तो भी ठीक है, शिव जी का तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, शिव जी का ध्यान रखते। तुमने इतनी बड़ी अवज्ञा की है, मेरी अवज्ञा की, काल की अवज्ञा की, देवताओं की अवज्ञा की, और तुम्हारे हृदय में मलिनता थी, इस कारण से तुम्हें दो पुत्र ऐसे प्राप्त होंगे जो उग्र दंड को धारण करने वाले होंगे, जिनके जन्म से तिलों की कांप उठेगी। दीदी कहती है, हे प्रभु, मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मणों की सांप या गाली खा के नहीं होना चाहिए। कश्यप मुनि कहते हैं, इन दोनों बालकों का वध, उनका वध तो स्वयं भगवान श्री हरि के हाथों होगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों का वध भगवान नारायण ने किया, इधर नरसिंहदेव ने, इधर वराहदेव ने। कुंभकर्ण और रावण का वध भी भगवान श्री राम ने ही किया, अभी कल रामनवमी थी। इस प्रकार से और शिशुपाल और दंत पत्र का भी वध भगवान कृष्ण ने किया। तो इसके माध्यम से इनका फिर उद्धार हुआ। दीदी को एक वरदान भी दिया कि दीदी, तुम्हारा जो पौत्र होगा, यानी हिरण्यकश्यप का बालक प्रहलाद, वो बड़ा भगवत भक्त होगा। इस प्रकार से इसकी कथा सुनाई गई। पर बाद में जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा लेता है, यानी पृथ्वी का सोना चुरा लेता है, भगवान वराहदेव पृथ्वी को जब ऊपर ला रहे होते हैं, हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव का युद्ध होता है, बड़ा भीषण युद्ध होता है। पहले गदा से, फिर तलवार से, कई आयुधों से युद्ध होता है। फिर एक बार हिरण्याक्ष भगवान को एक मुक्का मार देता है। भगवान कहते हैं कि ये मुक्केबाजी करेगा तो फिर हम भी मुक्केबाजी करेंगे, वो तो नहीं माना। भगवान ने ऐसे ही एक चांटा मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान तो भगवान, भगवान ने ऐसे मजाक में मार दिया था, लेकिन उसका घूम करके
वह मृत्यु को प्राप्त होगा। बोलिए बड़ा भगवान की। इसके बाद कपिल मुनि और देवहूति ये लीला प्रारंभ होती है। भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र कर्दम मुनि एक बार तपस्या कर रहे थे, कहां पर? बिंदु सरोवर में। हमने सुना है आपके पास में ही कपिल मुनि का भी आश्रम है, देवहूति का तीर्थ है, बड़ी अच्छी बात है। कपिल मुनि यहां पे भी रहे होंगे कुछ समय, माता देवहूति रही होंगी, आप लोग तो परम भाग्यशाली हैं। फिर आगे जब कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि हे कर्दम, तुम जाओ और प्रजा उत्पत्ति के लिए तपस्या करो। पहले लोग विवाह करने के लिए भी तपस्या करते थे कि जिससे हमें सुयोग्य कन्या प्राप्त हो, जिससे हम भगवान की सृष्टि वृद्धि में सहायक हो सके। कर्दम मुनि ने खूब तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि तुम जैसी पत्नी चाहते हो अपने योग्य, मनु महाराज आज से परसों के दिन अपनी कन्या देवहूति को लेके आएंगे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ और तुम्हें विवाह देंगे और मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूंगा। मैं भी तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जब भगवान किसी भक्त से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप ही उस भक्त के घर पर डोलने लगते हैं, उसके यहाँ पे पुत्र बन के आते हैं। वास्तव में भगवान की भक्ति करना है तो कर्दम मुनि जैसी करनी चाहिए कि स्वयं ही भगवान आ रहे हैं। जब कर्दम मुनि की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने इनको वरदान दे ही दिया था, परसों के दिन देवहूति के लेके उनके पिता मनु महाराज और शत्रुपा आते हैं। देवहूति से विवाह होता है। विवाह होने के उपरांत भगवान वहां पे जो आशीर्वाद दे गए हैं उसकी पूर्ति होनी थी। देवहूति आई थी तो परम सुंदरी थी, लेकिन पूर्ण मनोयोग से अपने पति का बड़े अच्छे से सेवा करने लगी। कर्दम मुनि बड़े तत्परता के साथ भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन कर्दम मुनि की आंख खुली, समाधि टूटी, देखते हैं कि ये देवी कौन है यहाँ पे। कर्दम मुनि पूछते हैं, हे देवी आप कौन? वो यही भूल गए कि हमारा विवाह हुआ था, कैसे तपस्वी रहे होंगे पहले। कर्दम मुनि को उनकी पत्नी देवहूति स्मरण कराती है कि आपका हमारा विवाह हुआ था, आपने हमारे पति को वचन दिया था कि हमारे घर में कुछ संतानें होंगी, तो हे प्रभु हम आप जैसे योग्य पति से कुछ उत्कृष्ट संतान की कामना करती हैं। कर्दम मुनि ने कहा, तो प्रतीक्षा किस बात की है? जाओ इस सरोवर में स्नान कर लो। वहां पर जो बिंदु सरोवर था, क्योंकि देवहूति इतनी अधिक सेवा करने के द्वारा बहुत दुबली लटी हो गई थी, उनकी जो जटाएं थी वो लटे बन गई थी, उनका जो सौंदर्य था वो पूरा क्षीण हो गया था। लेकिन जैसे ही देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया, वो पहले की तरह एकदम तरुणी हो गई, युवती हो गई। जैसे ही सरोवर में घुसती हैं, क्या देखती हैं कि वहां पे तो 1,000 दासियां विद्यमान हैं, जिनके शरीर से कमल शरीर की गंध निकल रही है। सभी देसी दैवियां वह दासियां देवियां तुल्य हैं। देवहूति को देख के खड़े हो गई, बोल रहे हम आपकी दासी हैं, क्या सेवा करें। देवहूति का उन्होंने बड़े अच्छे से स्नान कराया, बड़े अच्छे से श्रृंगार किया। फिर देवहूति और कर्दम मुनि का विहार होता है। कर्दम मुनि ने देवहूति की प्रसन्नता के लिए एक बहुत बड़े विमान की रचना की। वो विमान क्या था? वो तो नगर था, नगर ही मानो यहां से वहां डोल रहा है, उड़ता जा रहा है, कभी नंदन वन में, कभी कानन वन में, कभी उस लोक में, कभी उस लोक में, समस्त त्रिलोकी का उन्होंने विहार किया, विशेष रूप से स्वर्ग लोकों का। जब वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुंद्र, पुष्पवल्ल और चैत्ररथ आदि वनों में इन्होंने विहार कर लिया,
करीब देवताओं के सैकड़ों वर्षों तक इन्होंने विहार किया। इसके बाद कर्दम मुनि ने अपने 9 विस्तार किए और देवदूती के साथ समागम किया। एक साथ ही उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये पहले की सृष्टि है, आजकल जैसा नहीं है कि पहले गर्भ धारण करने के बाद स्त्री को 9 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर छोटा सा शिशु उत्पन्न होता है, उसको बड़ा करने में भी 20 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं, पहले की सृष्टि ऐसी होती थी कि देवहूति की कन्या ने जन्म लिया और तुरंत के तुरंत वो युवती हो गई। 9 की 9 कन्याएं परम सुंदरी, और पूरी त्रिलोकी का जो विस्तार हुआ है ना, वो इन्हीं 9 कन्याओं के माध्यम से हुआ है। इन 9 कन्याओं का भी विवाह करा दिया गया। अब लेकिन विवाह से पूर्व ही कर्दम मुनि आश्रम छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया था कि जैसे ही हमारे गृहस्थी में पुत्रियों या पुत्र की उत्पत्ति होगी, हम गृहस्थी को छोड़ देंगे, संन्यास धर्म को ही हम श्रेष्ठ मानेंगे। देवहूति उनको अपने हाथ से रोकते हैं कि हे पतिदेव, आप छोड़ के चले जाओगे तो मेरी रक्षा कैसे होगी? ये स्त्रियां तो पराये धन है, इनको तो कहीं ना कहीं जाना है, दूसरे के घर जाएंगी है। कर्दम मुनि को तो भगवान की बात स्मरण आई कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे जन्म लूंगा। कुछ समय के बाद कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन कपिल भगवान ने दिया। जब सांख्य दर्शन कपिल भगवान के द्वारा दिया गया तो माता देवहूति कपिल भगवान के सामने बैठी। माता देवहूति हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहती है कि हे प्रभु, है उनके पुत्र लेकिन अभी उनमें गुरु भाव है। कह रही कि हे प्रभु, आपको मेरे ऊपर दया करना चाहिए। मैं देखो, मैंने इतने सारे विषयों को भोगा और ये सारे विषय भोगने में मुझे ऐसा लगे क्षण भर के, जैसे क्षण भर में जब व्यक्ति विषय भोग में रहता है तो उसका जितना समय होता है वो क्षण सरीगे का बीत जाता है। हे प्रभु, मैंने इतने अच्छे पति को पाकर के उनसे कोई तत्व ज्ञान नहीं पाया, अब आप मेरा कल्याण करिए, मेरे ऊपर दया दृष्टि करिए, जिससे मैं भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। माता देवहूति के प्रश्न करने पर कर्दम मुनि ने उनको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हे माते, इस जगत का बंधन और मोक्ष का कारण क्या है पता है? मन। चेता खलुवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेता खलु अस्य बंधाय, ये जो हमारा चित्त है, जो मन है, यही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का कारण है। कैसे? जब ये मन सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं को सुनने में लगता है तो उसी से क्या होता है? मोक्ष द्वारा अपावर्तन, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और यही मन जब संसार की चिंताओं में लगता है, घर गृहस्थी की चिंताओं में लगता है, देश दुनिया की चिंता में लग जाता है, तो यही बंधन का कारण। इसलिए हे माता, तुम तो अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करो। माता माना पूछती हैं कि कैसे करूं, तो उन्होंने कहा साधु संग करो। माता ने पूछा साधु कौन होते हैं, साधुओं के क्या लक्षण हैं? आजकल ढोंगी साधु बहुत घूम रहे हैं, है ना, बड़ा सा चोला पहन लिया, बागा पहन लिया, बड़ा मोटा सा तिलक लगा लिया। सही साधु तो भले पतला तिलक लगाए, जो फर्जी साधु होगा वो बड़ा भारी मोटा तिलक लगाता है अपने आप को भगत दिखाने के लिए। तो साधुओं के लक्षण क्या है, यहाँ भागवत में दिए गए हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधुः साधुभूषणः। तितिक्षवः किसी भी प्रकार के कष्ट को सह लेता है। कारुणिकः
जो दीन जन है उनके प्रति करुणा करता है, सुहृद सभी जीवों से मित्रवत व्यवहार रखता है, अजात शत्रुवा उसका कोई शत्रु नहीं होता, शांत होता है, ये साधु के साधु लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण बोला मई अनिलेन भावेना भक्तिं कुर्वन्ति ये दृणां मत्कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बन्धवाः। जो सही भक्त होता है ना वो भगवान के लिए अपने सभी धर्मों को त्याग कर देता है, अपने सुख का तो कोई भाव ही नहीं लेता, तब सुखी भाव ही लगता है, यानी भगवान को जिसमें अच्छा लगता है केवल उसी भाव को धारण करता है और अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। अब मानो माता पूछ रही है कि साधुओं का संग कैसे करना है, ये भी बता दीजिए प्रभु, तो बता रहे हैं सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादादो अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। तो कह रहे हैं सताम प्रसंगा, सताम अर्थात साधुओं का प्रकृष्ट रूप से सेवा करना चाहिए, यानी साधुओं का संग सुनने से तो होता है लेकिन इसके साथ में उनकी सेवा हम करेंगे तो और अधिक फल मिलेगा। सेवा का मतलब होता है साधु जो चाहते हैं वो, जैसे हम लोग यही चाहते हैं कि आप अच्छे से भगवान का नाम जप करें, हमें आपसे कोई धन नहीं चाहिए, रुपये पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए कि आप लोग अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अच्छे से भागवत का पाठ सुने और अपने जीवन में भी इसको उतारें, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। तो साधु जो चाहता है अगर उसको हम बड़े अच्छे से करते हैं तो बड़े जल्दी भक्ति पनप जाती है। भवंती है ना कथा है, भगवान वो क्या है, रसायन है, औषधि और रसायन में भेद होता है। क्या भेद होता है, औषधि कड़वी होती है लेकिन रसायन मीठा होता है, औषधि केवल रोग का नाश करती है, रसायन तो रोग का नाश करता ही है साथ में बलवर्धक भी होता है। तो रसायन के तीन गुण होते हैं बलवर्धक, रोगनाशक और स्वादु, बड़ा स्वादिष्ट होता है रसायन। तो भगवान की कथा भी ऐसे ही है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, भव रोग का संसार रोग का नाश करती है और क्या करती है, साथ में पोषण भी करती है भक्ति का, भगवान से प्रेम उत्पन्न करा देती है, परम फल जो है। तो इस प्रकार से श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से सांख्य योग का पूरा वर्णन किया, पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया, तब इस प्रकार से भगवान ने अष्टांग योग का भी वर्णन किया कि अष्टांग योग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधन समाधि, भक्ति के मर्म और काल का महिमा भी बताया। भक्ति के जो भक्त होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे जो चार प्रकार बताए गए वो थोड़े अलग हैं। एक है तामस भक्त, एक है राजसिक भक्त, एक है सात्विक भक्त, एक है निर्गुण भक्त। तामस भक्त वो होता है जो अपने अहंकार दंभ या ईर्ष्या या किसी हिंसा के लिए भक्ति करता है, जैसे वो इसलिए जप कर रहा है कि इसका कुछ अनिष्ट हो जाए, इसकी खेत जल जाए, तो करता वो भी भक्ति रहा है क्योंकि भगवान का नाम तो जप ही रहा है, लेकिन दूसरे की हिंसा करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना दम प्रदर्शन करने के लिए जो करता है वो तामस भक्त है। जो विषयों में अभिनिवेश रखकर ऐश्वर्य यश की कामना से जो भक्ति की जाती है वो राजसिक भक्ति कहलाती है, कि हमारा खूब नाम हो इसलिए भक्ति करें, ऐसी भक्ति क्या कहलाती है, राजसिक कहलाती है। जो व्यक्ति पापों को क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करता है वह बुद्धि या फिर वह भक्त क्या कहलाता है, सात्विक भक्त कहलाता है। यानी क्या उसका भाव है, उसका भाव यह है कि किसी तरीके से मेरे पाप कट जाए इसलिए वह भक्ति कर रहा है, तो यह सात्विक भक्ति है।
लेकिन सबसे ऊंची भक्ति कौन सी है? सबसे ऊंची भक्ति तो है निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करना, जैसे गोपियों ने की, जैसे सखागण भगवान से प्रेम करते, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल यही कामना है कि हमारे प्रभु प्राण प्रियतम कृष्ण बड़े संतुष्ट रहे, आनंद से रहे, और कुछ नहीं चाहिए उनको। जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा, उनको कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वो तो इसीलिए केवल भक्ति कर रही है या कर रहे हैं कि जिससे हमारे कन्हैया क्या रहे, आनंद पूर्वक रहे। ये सबसे उत्कृष्ट भक्ति है, अर्थात भगवान से प्रेम करने के लिए या भगवान का सुख विधान करने के लिए जो भक्ति की जाती है वही भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। आगे जाके विग्रह की उपासना क्यों करनी चाहिए उसका विवेचन किया, और विग्रह की उपासना में क्या सावधानी रखनी चाहिए उसका वर्णन किया, कि हम विग्रह की उपासना कर रहे हैं लेकिन जो आगामी हमारे भक्त हैं या कोई भक्त आ रहा है उससे हम द्वेष कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर भगवान का जो विग्रह सेवा है वह हमें फल नहीं देगा। वैष्णव का सम्मान करना चाहिए और वैष्णव के प्रति बड़ी अच्छी बुद्धि रखनी चाहिए, तभी भक्ति का फल प्राप्त होता है ना। एक बार की बात है, आप लोगों ने महाभारत त्रेता युग की बात सुनी होगी। एक बार दशरथ जी वन में आखेट खेलने के लिए गए, उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता के जो परम भक्त थे, परम सेवक थे, अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए गए। जैसे ही जल ले रहे थे, छप छप कर रहे थे, जल को लिए साफ करते और शुद्ध जल को भर रहे थे, दशरथ महाराज वहां पे आखेट खेलने के लिए गए थे। उनको शब्द सुनाई दिया, उन्होंने तुरंत धनुष अनुसंधान करके बाण अनुसंधान किया और शब्द वेदी भान छोड़ दिया, यानी शब्द को पीछे पीछे जाएगा। वहां पे श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार को वह अमोघ शब्द वेदी भान भेद गया। उनको लगा कोई हिरण चिल्ला रहा होगा। वो वहां पे जैसे ही आए उनने तो देखा कि अरे किसी मनुष्य की हत्या हो गई, वो तो एकदम चिंतित हो गए। श्रवण कुमार कहते हैं कि पास में ही मेरे माता पिता जो अंधे हैं जल की याचना कर रहे हैं, ये जल लेके जाते हैं, और उधर श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं। जब दुखी होते हुए उन्होंने पूछा कि अरे हमारा पुत्र क्यों मर गया, तो उस समय वो यह श्लोक बोलते हैं, किम मया पथि दृश्य दृष्टस्य विष्णु भक्तस्य करहि चेत् तन्मुद्राङ्कृत देहस्य चेतसा नागराकृताः येन कर्म विपाकेन पुत्र शोको दृशा। तो उनका भाव है शिला बुद्धि कृता वा प्रतिमायाम हरे मया, क्या मैंने कभी भगवान की जो प्रतिमा होती है उसमें शिला बुद्धि की है क्या? भगवान की जो विग्रह होते हैं ना उसको ये कभी नहीं समझना चाहिए ये पत्थर है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कल आपको कथा सुनाई थी ना गोपाल की, तो वही वाली बात है कि शिला बुद्धि कृता वा प्रतिमायाम हमें हरे मया, कि मैंने प्रतिमा में कोई शिला बुद्धि की क्या? या फिर कोई वैष्णव मेरे घर पे आए थे जिनके द्वादश तिलक उनके शरीर पे विराजमान थे, उनको मैंने कभी अपमान किया क्या, जो मुझे ऐसा मुझे दारुण दुख मिला कि मुझे पुत्र शोक इतना सहना पड़ रहा है। कहने का भाव है अगर किसी का पुत्र मर जाए तो इसका मतलब उसने भगवान या किसी भक्त के प्रति बड़ा द्वेष किया है, तभी ऐसा अनर्थ होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो भूल कर भी कभी भी प्रतिमा में शिला बुद्धि नहीं करनी चाहिए और भक्तों में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक विष्णु पुराण में श्लोक आता है, अर्चे विष्णु शिला भी गुरुसु नर्मति वैष्णवे जाति बुद्धि
वैष्णवानां कलिमल हरणे पार्थ तीर्थे सुजल बुद्धि शुद्धे धनमात्रि मंत्रे सकल कलोषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे तदितर समधि यशवानार कीर्षा। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह में शिला बुद्धि करता है कि ये पत्थर है, जो व्यक्ति गुरु को एक सामान्य मनुष्य समझता है, जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है कि कौन सी जाति के ये वैष्णव, सब चौपट। वैष्णव में कभी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वैष्णव का जो चरण धोवन है उसको एक सामान्य जल कभी नहीं समझना चाहिए, वो गंगा जैसा ही पवित्र है। और भगवान का जो नाम है उसमें कभी सामान्य शब्द बुद्धि नहीं करना चाहिए, जैसे कोई एक सामान्य शब्द है खेलकूद, ऐसे ही राम नाम होगा, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई ऐसी बुद्धि करता है तो सह नारकी वह नरकगामी होता है। आपको डरा नहीं रहे हैं, केवल एक समझाया जा रहा है कि कभी भी ऐसी चीजों में बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जीव की क्या गति होती है, यानी जीव जब गर्भ में आता है तो कैसे कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य योनि का जीव, उसकी बात कर रहे हैं कि प्रथम रात्रि में जो जीव होता है वो एक कलल जैसा होता है। जैसे माता के गर्भ में पिता के द्वारा जब गर्भाधान किया जाता है तो प्रथम रात्रि में कलल बनता है, पांच रात्रि में एक मटर के दाने का आकार का शरीर उसका हो जाता है, दस रात्रि में एक बेर का आकार को धारण करता है, फिर कुछ समय बाद उसकी मांसपेशी उसकी बन जाती है, फिर एक मास में उस शिशु का सिर निकल आता है, यानी सिर अलग धड़ अलग, दूसरे मास में उसके हाथ पैर और अंग निकल आते हैं, तीसरे मास में लिंग नख रोम अस्थि चर्म ये सब निकल आते हैं, चौथे मास में सप्त धातु यानी रक्त इत्यादि हड्डी अस्थि मज्जा ये सब उसमें आ जाती है, पांचवें मास में उसको भूख प्यास लगने लगती है, छठे मास में उस बालक वह दाहिनी कोख में चला जाता है, पहले बाएं कोख में रहता है फिर दाएं कोख में चला जाता है, सातवें महीने में उसको पूर्ण चेतना आ जाती है, शक्ति उन्मेष हो जाता है। और कोई कोई जीव, हर कोई जीव प्रार्थना नहीं करता है, कोई कोई जो विशेष योगी होते हैं विशेष भक्त होते हैं वो गर्भ में ही भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैंने जन्म जन्मांतर तक अभी तक केवल विषयों का ही सेवन किया है, आपकी अच्छे से भक्ति नहीं की, कृपा करके अब तो मुझे भक्ति प्रदान कर दिए, मुझे भक्ति करने का अवसर प्रदान करिए, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर आता है वो सब भूल जाता है, फिर से इस संसार की घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाता है, फिर से बंधन को प्राप्त होता है। कभी अगर सौभाग्य से कुछ संतों का दर्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम जपे हरे कृष्ण महामंत्र जपे, तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है। तो इस प्रकार से तृतीय स्कंद के अंत में माता देवहूति जब पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लेती हैं, तो मानो भगवान कपिल देव पूछ रहे हैं कि मैया तुमने जो पूछा था वो तुम्हें ठीक से समझ में तो आ गया ना। माता ने कहा कि हाँ पुत्र, हे प्रभु मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। क्या समझ में आया? माता देवहूति यहाँ पे नाम की महिमा बता रही है कि भगवान का जो नाम है कितना महान है। यन नाम दे सर्वानुकीर्तना यत् प्रवणाद स्मरणादपि क्वचे स्वादोपि सद्या सवनाय कल्पते उता पुनस्ते भगवन् दर्शना। माता देवहूति कह रही है कि हे प्रभु आपके नाम ध्यान करने से, आपका नाम श्रवण करने से, आपका नाम कीर्तन करने से, आपके नाम पुकारने से, आपको नमस्कार करने से, आपका स्मरण करने से ही व्यक्ति अरे
कोई जो चंडाल होता है ना, स्वादो, स्वादो मतलब स्वामह अति इति स्वादः, जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चंडाल भी सवनाय कल्पते, सवनाय अर्थात सोम यज्ञ करने के लिए वह करबद्ध हो जाता है। सोम यज्ञ समझते हैं आप क्या होता है? सोम यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी होती है। कहते हैं कि जब चंद्रमा का पूर्णिमा होता है तो उस दिन व्यक्ति पूरा आहार लेता है, पर जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है उसके आहार की कौर की संख्या भी कम हो जाती है। जैसे पहले 15 रोटी की कौर खाए, फिर 14, फिर 3, 2, 1, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है। ऐसे जब कई चंद्रायण व्रत कर लेता है व्यक्ति, तब वह कहीं सोम यज्ञ करने के लिए क्या होता है, सामर्थ्य हासिल करता है, सामर्थ्य आती है उसमें। लेकिन ऐसा व्यक्ति सद्यः सवनाय कल्पते, एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्ण बोल दिया, तो वो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण जिसने सोम यज्ञ कर लिए हैं, इतना प्रतापी है, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। हे प्रभु, जिसने साक्षात आपका दर्शन कर लिया है, आपका संग प्राप्त कर लिया है, उसका तो कहना ही क्या। जब तो आपके नाम की इतनी महिमा है, तो आप साक्षात सामने बैठकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए क्या कहना। माता को लगा कि ये मैंने हरिनाम की महिमा को कम आका, तो उन्होंने आग से दूसरा श्लोक कहा, अहो वत्स भजतो गरीयान् यज्ञवग्रे वर्तते नाम तोभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुभु सुष्णुनार्या ब्रह्मार्चुनानां गृणन्ति एते। माता देवहूति कह रही है कि मैं तो उस सपच को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानती हूँ, यत जिह्वाग्रे, जिसकी जिह्वा के आगे की नोक पे भगवान का नाम आता, यानी अंदर से नाम नहीं ले रहा है, केवल ऐसे ही बोल दिया हरे कृष्ण, अंदर क्या भाव है कोई मतलब नहीं, जो भाव पूर्वक नाम ले रहा है उसकी तो बात ही क्या है। नाम तो व्यमना तो नामानी, आप लोग तो महान है जो भगवान का कई कई बार नाम ले रहे हैं। जिसने एक बार भी नाम ले लिया वह व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, तेपुस तपह, सब कुछ भूतकाल का प्रयोग हो रहा है, तेपु तपह, उसने तपस्या कर ली, सुष्णु आर्य, उसने तीर्थ स्थान पर जाके स्नान कर लिया, जुहु, उसने सारे यज्ञ कर डाले, ब्रह्मार्चुनाम, सारे वेद पढ़ डाले, गृणन्ति एते, जो आपका नाम लेता है, तो एक नाम लेने की इतनी महिमा है कि उसने सारे यज्ञ तप होम तपस्या सब कुछ कर डाला, कितना महान कार्य है। तो आप लोग जो भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कि बहुत सौभाग्य की बात है। इसी के साथ में तृतीय स्कंद समाप्त होता है। थोड़ा Yeah.